बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट योर ऑरा। आज हम ऑरा की बात करेंगे। ऑरा क्या है पहले तो उसको जानिए। ऑरा आभा मंडल, आपकी बॉडी के जो आउटर लेयर है वो है ऑरा। तो अभी तक आप अपनी इनर बॉडी की तरफ क्या ध्यान देते हैं और आउटर बॉडी की तरफ भी ध्यान देते हैं? हम अपनी सिर्फ फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं। इनर बॉडी है आपकी चक्रास, आपके सोल, और आउटर बॉडी है आपका ऑरा, आपका आभा मंडल। तो उसकी तरफ तो हम ध्यान देते ही नहीं हैं, और वही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जो आपके चक्रास हैं, जो आपकी बॉडी की जो सेंटर पाइप है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज होगा तो आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज होगा। तो चक्रास के बारे में भी मैं बात करूँगी फर्दर वीडियोस में। आज हम बात कर रहे हैं ऑरा की, आभा मंडल की, आपकी एक्सटर्नल एनर्जीज़ की। भगवान की फ़ोटो के आसपास आपने देखा होगा एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है, कुछ कलर्स, कुछ वाइब्रेशंस, गोल्डन, वाइट, रेनबो कलर्स होते हैं। वो क्या है? वही है ऑरा, वही है एनर्जी। तो हर चीज़ का ऑरा है। ये क्रिस्टल बॉल है, इसका एक ऑरा है। हर चीज़ का ऑरा है, हर चीज़ की एनर्जी है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने गाड़ी ली, आपने कोई पेट आपके घर में आया, कोई पर्सन आपके घर में आया, कोई स्टाफ आपने न्यू रखा, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, उसका ऑरा कैसा है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ अटैचमेंट, आपका उस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा होगा। ओके, तो आज मैं आपको ऑरा बताती हूँ। ऑरा में अगर वीक है, अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है ऑरा में, कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप लेज़ी फील करते हैं, आप सुबह उठ के सैड फील करते हैं, आप दिन में हर वक्त अपसेट रहते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको ऐसा फील होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, आपको डर लगता है हर चीज़ को लेके, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। कुछ भी काम शुरू करने से पहले आप नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, डर ज़्यादा रहता है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। दैट मीन्स आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जीज उतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई हुई हैं, उतनी ज़्यादा ओपन नहीं हैं। ओके, अगर आप मॉर्निंग में उठ के बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, दैट मीन्स योर ऑरा इज़ वीक, बिकॉज मॉर्निंग में फ्रेश होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं हर बात को लेके, या हर छोटी छोटी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो भी ऑरा की किसी लेयर में कहीं पर कुछ ब्रेकेज है, कहीं ना कहीं किसी लेयर में डैमेज है। तो वो कैसे देखा जाता है? वो हम कलर्स के थ्रू देखते हैं, वो चक्रास के थ्रू देखते हैं। तो पहला तो आपको काम करना है कि हर कलर को यूज़ कीजिए, हर कलर को अपने ऑरा में लेकर आइए, बिकॉज सारे कलर्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपके ऑरा में वो सारे कलर्स आते हैं। तो जब आप खाने में कलर यूज़ करते हैं, आपके रूम में वो कलर्स हैं, आप पहनने में यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऑरा में ऑटोमेटिकली हील करता है, बिकॉज ऑरा में 7 कलर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। ओके, 7 चक्रास हैं, तो सारे कलर्स हमको यूज़ करने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक या दो कलर ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी को हील कर रहे हैं, अगर आप हीलर हैं, आप हील करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन की प्रॉब्लम या उस पर्सन की बीमारी आपको कैच हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स आपका ऑरा बहुत वीक है, ऑलरेडी उस ऑरा में ही डिस्टर्बेंस है, और उसको आपको पहले हील करना है। बिकॉज जब तक आप अपने ऑरा को हील नहीं करेंगे, आप दूसरे की नेगेटिविटी जल्दी कैच करेंगे, आपको जल्दी दूसरे की नज़र लगेगी। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आप उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेंगे। अगर कोई आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बता के जा रहा है तो आप भी अपसेट हो जाएंगे उसकी प्रॉब्लम सुनते ही, क्योंकि आप उस पर्सन की नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे लाइक अ मैग्नेट। तो उससे आपका एनर्जी और लो हो जाएगा। ऑरा लो होना मीन्स कॉन्फिडेंस की कमी, डर लगना, किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होना कि यस मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने कुछ सीखा है तो
तो भी आपको लगेगा कि मुझसे तो नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे हम, नहीं हो पाएगा, मैं ये अर्न नहीं कर पाऊँगी या ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये एक माइंड में थॉट आना, दैट इज़ नेगेटिव ऑरा, वीक ऑरा मेनली। आप में उस आपके ऑरा में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी बाउंड्री वॉल उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपके घर की बाउंड्री वॉल अगर स्ट्रांग है तो कोई भी आपके घर में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपने बाउंड्री वॉल जस्ट थ्रेड की लगाई हुई है तो कोई भी एंटर कर जाएगा, स्ट्रांग नहीं है, एनीवन कैन एंटर। तो ऐसे ही नेगेटिविटी को हमें रोकना है। तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी एनर्जीज एकदम से अंदर नहीं आ सकती। आउटर वॉल हैज़ टू बी स्ट्रांग। तो उसको क्लीन कैसे करते हैं, ऑरा को स्ट्रांग कैसे रखते हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो अगर आपको ऑरा से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप कमेंट कीजिए एंड आई विल रिप्लाई यू। और आगे मैं आपको ऑरा के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।